Hey guys, welcome back to channel guys. So guys, आज हम बात करेंगे बिहार के टॉप 10 वाटरफॉल्स के बारे में। तो गाइज, भारत में 28 राज्य हैं, जिसमें से हमारा एक आता है बिहार है। इसमें भी बहुत सारे खूबसूरत चीज है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ बिहार के टॉप 10 वाटरफॉल्स के बारे में। तो गाइज, आज पहले नंबर पे आता है हमारा कुकलत झील। कुकलत बिहार के नवादा जिले में यह स्थित है। पटना से 130 किलोमीटर और राजगीर से 55 किलोमीटर और नवादा से 33 किलोमीटर की दूरी पर कुकलत झील पड़ता है। इसे बिहार का छोटा सा कश्मीर भी कहा जाता है। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 160 फीट है और यहां आप जाकर बहुत आनंद उठा सकते हैं। Support me guys, please subscribe and share your friend. तो guys, दूसरे नंबर पे आता है हमारा धुआं कुंड। इसे हम माझर कुंड के नाम से भी जानते हैं। यह बिहार के सासाराम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर के पहाड़ी पर स्थित है। यह काव नदी से निकलती है और इसकी ऊंचाई 130 फीट है। यह धुआं कुंड में भगवान शिव और मां शक्ति के आराधना होती है। और यहाँ तीसरे नंबर पर आता है हमारा तिहार कुंड। यह बिहार के कैमूर जिले में भभुआ और ओदरा मार्ग पर स्थित है। इस झरने का खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। यह 80 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए झरना खूबसूरती, चारों ओर की हरियाली और पक्षियों की चिलचिलाहट और प्राकृतिक सुंदरता आने वाले पर्यटकों को मोहित कर लेती है। चौथे नंबर पे आता है हमारा तुतला भवानी। यह बिहार के रोहतास जिले में है। यहाँ पर माँ तुतला भवानी की मूर्ति 12वीं सदी से 1958 को ही स्थापित किया था। तुतला भवानी को हम आकर्षक बनाते हैं यहाँ के झूला वाला पुल। यह रोहतास से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप बहुत ही बेहतरीन तरह से झरना का आनंद उठा सकते हैं। पांचवें नंबर पे आता है कारगट। यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह कैमूर से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा कहा जाता है कि यह झरना पर मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास है और बिहार सरकार इसे मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व और इसके टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर रही है। इस वाटरफॉल का टोटल हाइट 100 फीट है यानी 300 मीटर। आप यहाँ भी जाके आनंद उठा सकते हैं और काफी सारे झरने हैं जो आप बिहार में घूम सकते हैं। और ऐसे ही 5 वाटरफॉल बचे हुए देखने के लिए कमेंट करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबा दें एंड लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।